हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ये हमारे पास एक लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है 840। ये लाइटबुक सीरीज है, 840 मशीन है। i5 में ये मशीन होती है, i5 ये फोर्थ जनरेशन मशीन है। इसमें 8GB रैम होती है, i5 में फोर्थ जनरेशन का इसमें प्रोसेसर होता है। इसमें साटा हार्ड डिस्क होती है, हम इसे SSD में, आजकल ये जो इम्पोर्ट में आ रही है तो SSD के साथ आ रही है, साटा वाली SSD के साथ। और इसमें ऑप्शन एक और होता है जो हमारी छोटे वाली SSD का होता है, वो हम आपको खोल के दिखाते हैं कौन सी SSD का ऑप्शन होता है। ये आप देखोगे इसमें एक छोटी SSD आती है 1 से 1.5 इंच वाली, उसका भी इसमें ऑप्शन होता है, उसको M.2 SSD जो हम बोलते हैं, जो पुराने टाइम पे आती थी उसका भी ऑप्शन इसमें पुराने ही मॉडल में होता है। कौन से मैन्युफैक्चर, कौन से ईयर का है ये 2015 का मैन्युफैक्चर है। उस टाइम पे SSD बहुत ही कम चलती थी, अब तो बहुत ही SSD चल रही है, M.2 आ रही है, NVMe आ रही है, SATA आ रही है। उस टाइम पे बहुत ही कम SSD चलती थी और बहुत कॉस्टली होती थी, किसी किसी मशीन में ये ऑप्शन आता था और किसी किसी मशीन में ही SSD लग के आती थी। उस टाइम पे बहुत ही कम मशीनों पे आती थी। Elitebook जैसी सीरीज जो होती है, Elitebook हुआ, Dell का Latitude हुआ, इस टाइप की कमर्शियल मशीन में ये हमारी SSD का ऑप्शन आता था, तो इसमें उस टाइम का है। तो ये बहुत अच्छी मशीन थी अपने टाइम की, उस टाइम पे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन में आई थी और ये कमर्शियल सीरीज होने के साथ साथ Elite सीरीज में आई थी ये। तो इसमें अब हम आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसा कि अब हम इतना खोल चुके हैं इसको आपको बताने के लिए कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो अब हम इसको चेक करते हैं चार्जर लगा के, एक बार चार्जर लगाने के बाद हम ऑन करते हैं तो हमारी मशीन 1 सेकंड के लिए ऑन होती है बस, फिर दोबारा ऑन नहीं होती है। ये आप देखोगे आप ऑन ऑफ के स्विच पे लाइट जलेगी, यही 1 सेकंड की लाइट जलती है तो हमारी मशीन ऑन नहीं होती है, तो डेड कंडीशन में है हमारी मशीन। तो देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। खोलते हैं हम इसको, सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन हमने आपको बताया हुआ है हमारे वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले हमारा ऑप्शन होता है कि कुछ भी करने से पहले हमें बैटरी रिमूव करनी होती है, बैटरी को मदरबोर्ड से हटाना होता है, ये काम सबसे पहले करना होता है। फिर स्क्रू खोलते हैं, ये हमें कीबोर्ड निकालने के लिए स्क्रू खोलेंगे। ये लॉकिंग होती है कीबोर्ड की। तो हम इसलिए इसकी बिट चेंज कर रहे हैं अपने स्क्रू ड्राइवर की। तो यदि हम इस लैपटॉप के बारे में बात करें, इसका हम आपको स्टेटस बताएं कि ये मशीन कैसी होती है, तो ये मशीन Elitebook है, 840 है, अच्छी मशीन होती है, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी होती है, लाइफ वाइज भी अच्छी होती है, लाइफ इसकी बहुत अच्छी होती है, अच्छी चलती है ये मशीनें, और बैटरी बैकअप वगैरह भी इसका अच्छा होता है। 4 सेल की छोटे वाली बैटरी, जो बैटरी होती है इसकी 4 सेल की बैटरी होती है, तो बैटरी बैकअप भी अच्छा होता है, स्पीड के मायने में भी अच्छी होती है। और आप इसको यूज भी कर सकते हैं, कि आप ऐसा नहीं है कि ये थोड़े समय के लिए ही कि आप इसे यूज कर सकते हैं, ये लाइफ लॉन्ग इसकी बहुत अच्छी होती है, ये आपकी 12-12 घंटे 15-15 घंटे आप इस मशीन को यूज कर सकते हैं, इस मशीन में कोई प्रॉब्लम आने के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि इसका मदरबोर्ड जो है वो डिजाइन ही इस तरीके का हुआ है कि आप इस पे काम बहुत लंबे समय तक कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। डिजाइन वाइज भी बहुत अच्छी होती है, आजकल आप देखोगे कुछ मशीनें में बहुत जल्दी हमारे हिंच या बॉडी टूट जाती है, उस टाइप के ये आप देखोगे। इसके इस लिहाज से भी इसमें ये डिजाइन बहुत अच्छा है इसका, ऐसा नहीं है कि ये जल्दी टूट जाता है, इस बॉडी भी इसकी अच्छी होती है। कुल मिला के मशीन बहुत अच्छी होती है कमर्शियल यूज के लिए। i5 में मशीन है, i5 i7 आती है। ये रिफर्बिश भी बहुत है मार्केट में, यदि आपको चाहिए तो आप मार्केट से ले सकते हैं इसको। रिफर्बिश मतलब कि अब ये नई तो आती नहीं है, ये सेम मॉडल सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो पर पुराना ये आपको जरूर मिल जाएगा मार्केट में अवेलेबल। ये SSD लगी हुई है इसमें SATA।
बोर्ड को हम बाहर निकालते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये आप देखोगे इसका बोर्ड है, बोर्ड कितना हैवी मदर बोर्ड है इसका, तो इसलिए ये इतनी जल्दी खराब नहीं हो पाती है। आजकल आप मशीनें देखोगे बहुत छोटे छोटे बोर्ड हो गए हैं, कॉम्पैक्ट से बोर्ड हो गए हैं, और मशीन ज़्यादा देर आप यूज करोगे तो प्रॉब्लम आ जाती है, पर इन मशीनों में नहीं आती है जो कमर्शियल सीरीज की मशीन होती है। तो हम दिखाते हैं आपको इसका मदर बोर्ड कैसे रिपेयर करते हैं।